कि जब से पवन सिंह जी एक्टिव हुए हैं तब से किसी का गाना नहीं चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं आरा से, नचनिया बजनिया के वोट दिया ही। लगातार सावन तक का प्रोजेक्ट तैयार है, बैक टू बैक आते रहेगा और अभी तुरंत एक गाना आने वाला है, वो भी फराक से रिलेटेड हो सकता है। नीलकमल सिंह मेरे फेवरेट हैं जी जी, और उनके साथ मतलब 90% गाने उनके मैं ही करता हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु, आप देख रहे हैं भोजपुरी फैन क्लब और आज हमारे साथ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के गीतकार आशुतोष तिवारी जी हैं। तो आइए बात करते हैं, कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। हम चाहेंगे कि इंटरव्यू का शुरुआत कोई गाने से हो जो अभी हाल फिलहाल में आया है। लगातार ही गाने आए हैं, एक दो गाना हो तो गाए आदमी ना जी, ना तो जो फिर भी अभी पियर फराक और राजा जी के दिलवा ट्रेंड में है, जो एक हफ्ते में ही दोनों गाना छूटा है और दोनों गाना बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है जी। तो हम चाहेंगे कि कोई पियर फराक ही वाला सुना दीजिए एक लाइन। शादी विवाह का गाना आया तो उसमें लगा लड़की का नोक झोंक है, जिसमें लड़की कहती है कि बारात करे अके हमसे बात करे, मांगे में मोबाइल नंबर लगता हाथ धरे। तो भैया को उसमें एक डायलॉग है कि बहुत अच्छा मजाक करती हो। गोरी फूल झरी बड़ू पापा के परी बड़ू अलगल पसरे तू तपाख पियर फराक वाली। क्या बात है भैया, इतना अच्छा गाना कैसे लिख लेते हैं कि बैक टू बैक आप गाना लेकर आ रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा गाना लेकर आ रहे हैं, कैसे आज खेल? आदमी देखता है कि वर्तमान में चल क्या रहा है, अपना यूथ जनरेशन को चाहिए क्या, उसी हिसाब से सोचता है आदमी और वैसी ही चीज़ें लिखता है जो सभी लोगों को पसंद आए जी। और कौन कौन से प्रोजेक्ट पवन भैया का आने वाला है बताइए? लगातार सावन तक का प्रोजेक्ट तैयार है, बैक टू बैक आते रहेगा और अभी तुरंत एक गाना आने वाला है, वो भी फराक से रिलेटेड हो सकता है जी। भैया बोला जा रहा है कि जब से पवन सिंह जी एक्टिव हुए हैं तब से किसी का गाना नहीं चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? ऐसा नहीं है, सबके गाने चल रहे हैं, सबके गाने बज रहे हैं, कम ज़्यादा ये हो रहा है। पब्लिक है, जिसको पसंद करेगी उसका ज़्यादा गाना सुनेगी, जिसका अच्छा नहीं लगेगा उसका कम सुनेगी जी। सबके अपने फैन बेस है और सबका गाना चल रहा है। जैसे कि कल DRS म्यूजिक से गाना आया था, वो भोजपुरी में ऐसा पहला बार हुआ है कि जो मात्र 3 घंटा में 1 मिलियन से ऊपर क्रॉस कर गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेगा, क्योंकि भोजपुरी में ऐसा पहला बार हुआ है? ये अपडेट डिजिटल वालों का है और बहुत ही अच्छा मतलब अपडेट है, अच्छा न्यूज है हम सबके लिए कि पब्लिक इतना प्यार दे रही है। एक ऑर्गेनिक व्यू आ जाता है बिना पैसे लगाए हुए जी, तो वो बहुत अच्छी बात है कि पब्लिक इतना प्यार दे रही है जी। भैया पवन भैया के साथ आप मतलब गाना कभी रिकॉर्डिंग कराए हैं कि नहीं साथ में बैठ के? यही गाना रिकॉर्ड करा गए हैं, राजा जी के दिलवा साथ ही सामने ही बैठ के रिकॉर्ड करवा के आए हैं हम लोग। पवन भैया कैसे व्यवहार के आदमी हैं, क्योंकि आप उनके साथ काम कर, लोग बोलता है कि घमंडी हैं या कुछ ऐसा कुछ है, पवन सिंह उल्टा सीधा बोलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, एकदम माइडियर आदमी है, इतना एंटरटेन करते हैं हम सबको। हालांकि हम लोग तो छोटे हैं, मन में डर रहता है कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, भैया बोले ना, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। वो इतने मजाकिया लहजे में हम लोगों से मतलब बात करते हैं, एंटरटेन करते हैं, मतलब एक गुदगुदी महसूस होती है, क्या है बच्चों जैसा हरकत होता है तो अच्छा लगता है थोड़ा। आप मतलब पवन सिंह के साथ लगातार गाना आ रहा है और किसी के साथ अभी गाना हाल फिलहाल में नहीं आ रहा है, जैसे मतलब केवल पवन सिंह के ही देंगे कि खेसारी लाल यादव जी को भी देंगे? शायद आप अपडेट नहीं है। अपडेट है, लखनऊआ वाला गाना आप दिए थे जी जी, तो जो जैसे जुड़ा रहेगा उसके साथ गाना आते रहेगा। भोजपुरी के सभी कलाकारों के साथ मेरा गाना आ रहा है जी, जैसे आप जानते हैं कि नीलकमल सिंह मेरे फेवरेट हैं जी जी, और उनके साथ मतलब 90% गाने उनके मैं ही करता हूँ जी, तो बैक टू बैक सबके साथ गाने आ रहे हैं। पिछली बार का इवेंट पटना में ही हुआ था, रितेश भैया के साथ गाना आया था, अंकुश राजा जी के साथ गाना लगातार आ रहा है, कल्लू भैया तो हैं ही, तो सभी कलाकारों के साथ तो आ ही रहा है। भैया सभी कलाकारों के साथ आ रहे हैं, जो अगर कोई छोटा कलाकार आपसे गाना लेना चाहता हो तो उसको क्या सपोर्ट मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, और बहुत सारे भाई हमसे जुड़े हुए भी हैं, उनका गाना लगातार आते रहता है, मैं रोज लिख के देता हूँ जी नए कलाकारों को गाना जी। और पवन सिंह लग रहा है कि चुनाव लड़ने वाले हैं आरा से, क्या आशुतोष तिवारी मतलब साथ देंगे? जी बिल्कुल साथ देंगे, अगर एक अभिनेता नेता बन रहा होता है जी, तो वहाँ अपनी फैन बेस को लेके जाएगा,
उसे तो ऑलरेडी समर्थन है, चाहे उसे चुनाव के टिकट कहीं से भी मिले उनका निकलना तय है जी। तो और जाते जाते अपने दर्शकों से क्या कहना चाहिएगा? बस ऐसे ही हम सभी भोजपुरी देखने सुनने वालों पे, बनाने वालों पे प्यार बरसाते रहिए, और भाई के चैनल को भी प्यार दीजिए, और बस ऐसे ही अच्छे अच्छे गानों को सुनते रहिए, प्रमोट करते रहिए। और जाते जाते भी एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जैसे कि चुनाव लड़ने की बात हो रही थी तो आरा से रिव्यू लिया गया था, तो बोल रहा था लोग कि नचनिया बजनिया के वोट दिया ही। ये पहली बार नहीं हुआ है, संजय दत्त के पिताजी थे सुनील दत्त साहब जी, तो वो भी राजनीति में थे, अच्छे नेता थे। रितेश देशमुख जो हैं हिंदी के एक्टर, उनके पिताजी विलासराव देशमुख जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये कोई नचनिया बजनिया वाला ये मैटर ही नहीं करता है। अभी हमारे तीन तीन सांसद हैं पार्लियामेंट में, रवि किशन शुक्ला जी गोरखपुर से, माननीय मनोज तिवारी जी, बड़े भैया दिनेश लाल यादव जी, तो पब्लिक प्यार जिस रूप में देगी उस रूप में स्वीकार है, और पब्लिक अपने स्टार को क्यों नहीं चाहेगी कि वो स्टार मेरा आवाज़ जाके सदन में भी उठाए जी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ भोजपुरी के गीतकार आशुतोष तिवारी जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।